आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिवविनायक तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं, शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। विजय राघोगढ़ बरही रोड में पेड़ गिरने से आवागमन अवरुद्ध। विजय राघोगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पड़िया के समीप विजय राघोगढ़ बरही रोड के किनारे लगभग 50 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ रात में तेज हवाओं के कारण सड़क पर गिर गया। फलस्वरूप बिना किसी हानि के आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। प्रातः से ही सड़क पर आवागमन बंद होने पर ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव को सूचना देने के बावजूद ध्यान न दिए जाने पर जागरूक ग्रामीणों द्वारा स्वयं पेड़ अलग करना प्रारंभ कर दिया गया, जिसकी क्षेत्रीयजनों व प्रशासन द्वारा प्रशंसा की जा रही है। रिपोर्ट जागेश्वर प्रसाद मिश्रा के साथ कैमरामैन मुकेश बर्मन, विजय राघोगढ़। रात 11 बजे की जी, किसी का कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं, टपर यहाँ रखे हुए थे, टपरे में सीट टूट का नुकसान हो गया, डीजल इंजन का नुकसान हो गया। जी जी हाँ। और क्या क्या, जैसे मतलब? और ये रोड में पूरा वाहन रात में जाम थे, अभी सुबह हम लोग काटे वाटे हैं तो वाहन रास्ता साफ हुआ है। जी। आम का पेड़ उसी में था, बारह के पेड़ के साथ आधा बारह का पेड़ गिर गया, आधा आम का पेड़ बचा है। जी, उस समय भी वो भी फटने वाला है। जी। कितनी टाइम क्या घटना हो जाए, एक न एक आदमी स्टैंड है यहाँ, लड़के बच्चे लोग बने ही रहते हैं। जी। कुछ दुर्घटना हो, शासन पे सारा इसका जिम्मेदार है। और जैसे जंगल विभाग के द्वारा से आपको उनको भी सूचना दिए, कोई अभी तक अधिकारी आए हुए नहीं? नहीं जी। घटना रात की है क्या? रात 11 बजे की है। आपका शुभ नाम क्या पड़ता है? श्री रामचरण सिंह चौहान, प्रज्ञा। ये भी आम फटने वाला है।